फ्रेंड्स, मैं अरुणा एबीसी आर्ट्स पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी करें और बेल के बटन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अब आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए अब हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम एक टियारा बनाएंगे। जी हाँ, वेडिंग का सीजन चल रहा है और वेडिंग के सीजन में फ्लावर्स के टियारा बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं, तो वो फ्लावर्स के टियारा कितना इजीली हम घर में बना सकते हैं वो सीखेंगे। बिल्कुल भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है, हम अपने घर में अपने हाथों से इसे बना सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। टियारास बनाने के लिए देखिए हमने सिंपल फ्लावर रखा है, ये बहुत इजीली मिल जाते हैं। देखिए इसमें नीचे लंबी वायर की डंडी बनी हुई है, ऐसे फ्लावर हमने इसमें लिया है। बिना इसके डंडी का फ्लावर नहीं है, ये जो मेटल की इसमें डंडी फ्लेक्सिबल वायर की रहती है वो डंडी का हम इस्तेमाल करेंगे। और देखिए उसमें ऑलरेडी ग्रीन टेप लगा हुआ है, इसलिए हमने ग्रीन टेप भी इसमें यूज नहीं किया हुआ है, ठीक है। और ये देखिए इस तरह के कुछ हमने फ्रूट्स रखे हैं, इजीली मिल जाते हैं। अगर नहीं मिले तो कोई भी मोती आप साथ में ले सकते हो, फ्लेक्सिबल वायर में पिरो के आप मोती का भी इस्तेमाल कर सकते हो इसके अंदर। और फ्लावर की कलर चॉइस है वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ले सकते हैं। जैसे मेरे पास तो यही कलर के फ्लावर थे तो मैंने सोचा इसी से बनाया जाए, आपके उसे रेड हो या और कोई अच्छा वाइब्रेंट कलर हो तो आप उनसे बना सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए हम फ्लावर्स लेंगे, इस तरह की लंबी डंडी वाले फ्लावर लेंगे हम, ठीक है। और इसे आपस में ही आप देख रहे हैं एक यहाँ और एक यहाँ, ऊपर नीचे करके हम इसे आपस में ही ट्विस्ट करेंगे। ये जो हिस्सा है इसे आपस में ही हम इसे ट्विस्ट करेंगे और बहुत सुंदर तरीके से मजबूत हम इसे ट्विस्ट करेंगे ताकि ये खुले नहीं। ये देखिए इस तरीके से ये दो आपस में ट्विस्ट करके हमने तैयार किया है, ठीक है। इसमें हम साथ साथ में देखिए ये हमारे फ्रूट्स भी हैं जो हम लगाते जाएंगे और बहुत कसता नहीं, आप देख रहे थोड़ा सा हमने ढीला छोड़ दिया ताकि जहाँ से हमें फोल्ड करना है बाहर निकालना है तो हम उसे निकाल सकें, ठीक है। यहीं पर इसे हम इसके साथ में ट्विस्ट कर देंगे। आप सोच रहे होंगे ये वायर, देखिए जब हम पास पास में फ्लावर लगाएंगे, दो ही फ्लावर लगाने से आप देखिए कि इसमें वायर दिखाई नहीं दे रहा है, पूरा हमारा वायर चुभ गया है। और ये वायर इतना स्मूथ है कहीं से चुभ भी नहीं रहा क्योंकि इसके अंदर देखिए पूरा टोटली ग्रीन टेप इसमें कवर किया हुआ है। अगर आपके उसमें प्लेन हो तो पहले आप ग्रीन टेप लगा लीजिए, फिर उसके बाद में आप बनाना शुरू करें। और एक चीज़ और, अगर इस तरह के आपके पास में फ्लावर्स नहीं है, लंबी डंडी वाले कोई भी फ्लावर्स नहीं है, तो आप नॉर्मल फ्लेक्सिबल वायर लीजिए, उसे राउंड कीजिए और उसके ऊपर आप इसे लगाइए, उस पर भी आपको टेप लगाना होगा ग्रीन टेप लगाकर। इसलिए वो सब झंझटों से बचने के लिए देखिए मैंने इसी तरह का फ्लावर लिया जिसमें कोई भी हमें वायर की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी में हमारा पूरा टियारा बन जाएगा। इस तरीके से एक फ्रूट हमने लिया है, पास पास में हम जो हमारे फ्लावर्स हैं इसे पूरा इसे इस तरीके से ट्विस्ट कर करके इसी में ही गूंथ देंगे। और आप देखिए साथ साथ में हमारी वायर जब हम ऐड करते जाते हैं तो हमारी लंबाई भी बढ़ती जाती है। अरे देखिए फ्रूट आ गया बीच में, इसे भी हम इस तरह से लेकर ट्विस्ट कर देंगे। फिर से हम फ्लावर लेंगे, अरे देखिए एक और फ्रूट हमने ले लिया, ट्विस्ट करते जाएंगे, अच्छे से ट्विस्ट करेंगे। आप देखिए पूरा ट्विस्टिंग आपको दिख रहा होगा, एकदम अच्छे से ट्विस्ट करना है हमने ताकि हमारा खुले नहीं और फ्लेक्सिबल रहेगा। इसलिए देखिए आप राउंड शेप कर सकते हैं, हाँ साइज आप अपने सर के हिसाब से आप साइज ले सकते हैं, आप सर पे रख के माप लीजिए आपको कितना बड़ा चाहिए छोटा चाहिए, वो हिसाब से आप इसका साइज बड़ा छोटा आप कर सकते हैं। फिर हमने देखिए इसके आगे एक फ्लावर और लगा लिया, बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान तरीका, और ट्रस्ट मी इसमें बिल्कुल भी नहीं टूटेगा आपका बनने के बाद में, ये पूरा इस तरह से सेट हो जाएगा ना, आपके फ्रूट्स गिरेंगे यहाँ पर कहीं से भी और कहीं से भी कोई फ्लावर नहीं गिरेगा, प्रॉपर इसमें चिपक जाएंगे सब आपस में ट्विस्ट हो जाएंगे। अगर आपको फिर भी लग रहा है कि आपने जो ट्विस्ट किया वो लूज है या कुछ, सपोज
1% आपका लग रहा है कि हिल सकता है कुछ है, आप हल्का हल्का फेविकोल का भी यूज कर सकते हैं ताकि आप मजबूती आ जाए उसके अंदर। और इसी तरीके से हम पूरा बड़ा राउंड बना लेंगे हमारे सर के साइज का, जो साइज का हमें टियारा चाहिए। छोटे बच्चों के लिए बनाना है तो आप थोड़े छोटे साइज का टियारा ले सकते हैं, छोटे साइज का सॉरी राउंड बना सकते हैं। और ये देखिए फ्रूट्स इसलिए लगा रही हूँ कि फ्लावर्स के साथ में देखिए बहुत शो आ रही है इसकी। नीरे फ्लावर्स की जगह हम साथ साथ में थोड़ा सा फ्रूट्स का भी इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए कहीं लग रहा है कि ज़्यादा है तो मैंने एक सोचा एक फ्लावर लगा दूँ, लेकिन नहीं, उसमें बहुत सुंदर लग रहा है वो फ्रूट। पहले बस फ्रूट्स लगाते समय ध्यान रखना है, जैसे कि देखिए एक फ्रूट हमने इस तरफ छोड़ा है, एक उस तरफ छोड़ा है, तो मतलब दोनों की दोनों तरफ हमारे फ्रूट्स दिखाई दें जब हम लगाएं, तो अंदर की तरफ भी हो और बाहर की तरफ भी हो। इसी तरह से हम पूरा बड़ा राउंड बना, ये देखिए हमारा टियारा पूरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, आप देख रहे होंगे। मैंने ये मैंने अंदाजे से थोड़े सर का साइज लेके बनाया है, ठीक है। अब एंड कैसे करना है देखिए, लास्ट में हमारे वायरिंग आप फिनिशिंग भी देख लीजिए, जॉइंट होते होते हमारी आ गई है और हर जगह से मजबूते खींचेंगे तो भी नहीं निकलेगा ये, ठीक है। अब देखिए एंड में हमें क्या करना है, ये वायर दिख रहा है और ये जो फर्स्ट फ्लावर हमने यहाँ लिया था इसे हम आपस में पकड़ेंगे और इसे हम पूरा ट्विस्ट कर देंगे। एक बार इसे उल्टा फोल्ड करके हम पूरा इसे इस तरीके से ट्विस्ट करके पूरा वायर एडजस्ट वहीं कर देंगे। और हमें ट्विस्ट करते समय ध्यान रखना है कि कोई भी वायर हमें चुभे नहीं, उसे पूरा क्लीन एकदम दबा दें, हाथ से ना दबे आपसे तो कोई भी पिन लेकर उससे दबा दें, पकड़ लेकर दबा दें उसे, ताकि कहीं से भी चुभे ना। ये देखिए हमने कंप्लीट कर दिया, अब ये फ्लावर को हम इधर नीचे कर देते हैं। देखिए पूरा टियारा हमारा रेडी हो गया है इटसेल्फ। जो वायर हमारे साथ में था, हमारे पास में था फ्लावर का, उसी फ्लावर के वायर से हमने देखिए पूरा टियारा बना दिया है। कोई भी एक्स्ट्रा वायर नहीं लगा हमें, कुछ भी एक्स्ट्रा चीजें नहीं लगी, सिर्फ दो चीजों से हमने पूरा हमारा टियारा खड़ा कर दिया है और एकदम मजबूत है और दिखने में भी सुंदर और पहनने में भी सुंदर। देखिए वेडिंग सीजन में आप अपने हाथों से ढेर सारे टियारा बनाकर अपने एक फंक्शन को बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगली बार फिर मिलते हैं कुछ और नए आने के, तब तक के लिए बाय।